100 करोड़ के लागत से ये बनकर तैयार हुई थी। तो दीवार पर आपको अच्छी अच्छी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। वेलकम बैक माई YouTube चैनल एंड ब्लॉग। तो गाइस आज हम आए हैं पटना के इस्कॉन मंदिर में। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मंदिर किस तरह बना हुआ, इसकी डिज़ाइन और यहाँ पे कब तक दर्शन करने का टाइम है और कितने बजे बंद हो जाता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहो, तो मिलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। फाइनली देख सकते हो हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर। अब अंदर जाके देखते हैं वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। इसमें अब डालेंगे जूता अंदर में आने के बाद, आपको दिखाते प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हो ये दुकान है अंदर आने के बाद। तो आप अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा और ये रेस्टोरेंट है जो आपको पैसे का खाना खिलाएंगे, फ्री में नहीं खिलाएंगे। और अंदर यहाँ पे जो भी सामान मिलेगा आपको बगैर लहसुन का मिलेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, बिना लहसुन प्याज के यहाँ पे होटल मिलेगा। जितने भी देख रहे यहाँ पे खाना वीना मिलेगा और यहाँ पे सब अंदर ढाबा है, होटल आप खरीद के ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा पंडाल है ये, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से 2 सीढ़ी है और अंदर होटल है पीछे के साइड से, जो मैंने आपको दिखाया। ये भक्ति कला है जो बंद है, कभी कभी खुलता है ये। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ी से, देख सकते हो मेन गेट इंटर करने के बाद आपको कैमरा यहाँ पे बनाना अलाउड नहीं, फिर भी हम छुप के बना रहे हैं। देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है और पैर भी मेरा थोड़ा जल रहा है, थाइस काफ़ी गर्म है। और यहाँ ऊपर चल के दिखाते हैं, ऊपर पे रोज़ गुलाब वुलाब मिल भगवान जी को चढ़ाया जाता है और ऊपर काफ़ी अच्छा प्लेस है। ये न्यू ही ओपन हुआ है ये पटना जंक्शन से पहले। इसको बनने में 11 साल का वक्त लगा था और ये 100 करोड़ के लागत से ये बनकर तैयार हुआ। तो एंटर करते ही दीवार पर आपको अच्छी अच्छी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। अंदर आके बैठे हैं और ये भगवान जी की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। ये देख सकते हो अंदर का इंटीरियर, ओ माय गॉड, रात में तो और भी प्यारा लगता है। सामने देख सकते हो ब्लैक कपड़े में सिक्योरिटी गार्ड। चल भाई, थैंक यू भाई। ये देख सकते हो मंदिर से बाहर निकलेंगे तो ये आपको दुकान मिल जाएगी। तो आपको अंदर भगवान जी का दर्शन करवा दिया और ऊपर से आप देखेंगे तो ये नेशनल हाईवे काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये पंडाल जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, ये मंदिर के नीचे ये जन्माष्टमी का लगा हुआ था जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और आपको लाइटर दिख रहा है, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है यहाँ पे। सर यहाँ पे काफ़ी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। इसके इंटीरियर देख सकते हो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे, एक एक डिज़ाइन को बहुत मेहनत से बनाया गया है।
ये देख सकते हो डिजाइन, इसका डिजाइन भी देख सकते हो काफी यूनिक है। गेट पे डिजाइन बना हुआ, ये विष्णु जी का मूर्ति बनी हुई बना हुआ गेट पे, दोनों साइड देख सकते हो। एक से एक पुस्तक देखने को मिल जाएगा आपको। ऊपर से हम आ गए हैं और यहाँ सब स्लीपर लेंगे हम। 75 भैया जी जी, तो यहाँ पे थैली में नंबर लिखा हुआ है, उसी नंबर पे होता है। थैली में आपको दिखा दिया इस्कॉन मंदिर का। यहाँ पे आप अगर पटना आ रहे हैं तो ये न्यू ओपन हुआ है। यहाँ पे अच्छा भगवान जी का दर्शन करने के लिए और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ के आप भगवान जी का जाप कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पे जो भगवान जी का दर्शन होता है सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक, उसके बाद ये गेट बंद हुए हो जाता है। अभी 1 बज रहा है तो गेट बंद हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इंडस्ट्री में देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार करें और प्यार भी रिकमेंड करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वहाँ।